बस टोपोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, बस टोपोलॉजी जो है इसके अंदर क्या होता है? देयर इज अ लिमिट ऑफ ड्रॉप लाइंस एंड द डिस्टेंस अ मेन केबल कैन हैव। जी अस्सलाम वालेकुम, आज की क्लास में नेटवर्क टोपोलॉजीज को देखना है। बस और स्टार वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क की डेफिनेशन को। द नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्यूटर वन है हमारे पास और ये कंप्यूटर टू है, ठीक है जी। तो अगर इन दोनों को आपस में लिंक करवा दिया जाए, ठीक है, तो किस पर्पज़ के लिए? फॉर द शेयर और एक्सचेंज ऑफ डाटा, डाटा के आपस में तबादले के लिए, तो हम इसको नेटवर्क बोलेंगे। अब चलते हैं हम टोपोलॉजी की तरफ कि टोपोलॉजी क्या होती है। सो नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द, इसमें दो चीज़ें हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क, फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट। अब ये क्या चीज़ है जी? आप जब आपस में कंप्यूटर्स को लिंक करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि इनका रूट क्या होगा फॉर ट्रैवलिंग एंड कम्युनिकेटिंग डाटा। जो नोड्स, नोड्स क्या होते हैं जी? तो नोड इज़ एन एवरीथिंग डेट इज़ पार्टिसिपेटेड इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क में जो भी चीज़ पार्टिसिपेट कर रही होती है उसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन बस टोपोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, बस टोपोलॉजी जो है इसके अंदर क्या होता है जी? देर इज़ अ मेन केबल। ये वो मेन केबल है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है सेंटर में, ठीक है। एंड ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू दिस मेन केबल। और सारी की सारी डिवाइसेस, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये नीचे डिवाइसेस है, इस सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं आपस में इसी मेन केबल से ही कनेक्टेड हैं, बट बाय द ड्रॉप लाइंस, ड्रॉप लाइंस के ज़रिए। अब इसके दो पॉइंट्स हैं, ड्रॉप लाइन के बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या होती हैं। इसके एग्जैक्टली टू पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग टर्मिनेटर भी उसे बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी ड्रॉप लाइन की। अब ड्रॉप लाइंस क्या हैं? दीज आर द टैब दैट कनेक्ट्स द ड्रॉप लाइन टू द मेन पॉइंट्स, ठीक है। अब ड्रॉप लाइन जो है, ये हमारे पास ये वो चीज़ें हैं जो हमारी डिवाइसेस को मेन पॉइंट से यानी मेन केबल से कनेक्ट करवाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है, देर इज़ अ डिवाइस कॉल्ड टैब डेट कनेक्ट्स द ड्रॉप लाइंस टू द मेन केबल। सिंस ऑल द डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर मेन केबल, देर इज़ अ लिमिट ऑफ ड्रॉप लाइंस एंड द डिस्टेंस अ मेन केबल कैन हैव। इनकी भी लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि मेन लाइन जो है वो कहीं चल रही है और कंप्यूटर कहाँ जाके कनेक्टेड हुए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक लिमिट होती है, डेट डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क। डियर स्टूडेंट्स, जो बस टोपोलॉजी है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इनको भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता तरीका है, यूज़ इन स्मॉल नेटवर्क्स, छोटे नेटवर्क्स जो हैं वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बनाना काफ़ी आसान, क्योंकि एक मेन जो है वो लाइन और उसके साथ आपने सिंपल जॉइंट्स करने हैं कंप्यूटर के, ठीक है। इजी टू एक्सपेंड जॉइंट्स विद टू केबल्स टुगेदर, आप आराम से अगर नए सिस्टम आपने इसके साथ अटैच करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगर हमारे सिस्टम की मेन केबल उड़ जाती है, जैसा कि ये जो हमारी लास्ट वाली क्लास में हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा, ये जो केबल हमारी अगर ये ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो हमारी जो सारे का सारा नेटवर्क है वो एक्सपायर हो जाता है। बट अगर यहाँ से कोई डिवाइस एक्सपायर होती है, ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी, इफ़ एड मोर नोड्स देन द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिक्रीजेज। जैसा कि यहाँ पे भी इस बात को डिस्कस किया गया है एडवांटेजेस के अंदर कि ये छोटे नेटवर्क्स के लिए ही ठीक है, बड़े नेटवर्क्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर हम इसके अंदर मज़ीद नोड ऐड करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। एंड केबल हैज़ अ लिमिटेड लेंथ, और केबल की लेंथ भी लिमिटेड होती है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। और ये हमारी बस टोपोलॉजी वाला ख़त्म हुआ टॉपिक, अब हम स्टार की बात करते हैं। अब स्टार टोपोलॉजी जो है, डेट इज़ माय फेवरेट, और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक छोटी सी यहाँ पे
हब होती है, ये सेंटर में एक डिवाइस होती है। अब इसको बिल्कुल ऐसे अज्यूम करें जैसे बिजली का बोर्ड होता है, एक्सटेंशन होती है, अब उसमें स्विच लगाते हैं और हमारी डिवाइस ऑन हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ये एक छोटी सी डिवाइस है, इसे हब बोलते हैं, और इसके साथ ये पोर्ट्स ही बनी होती हैं और इसके साथ हम अपने सिस्टम अटैच कर लेते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस टोपोलॉजी। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि ये हमारे पास सेंट्रल हब है और सारे सिस्टम जो है सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। दिस हब इज द सेंट्रल नोड। पहले भी मैं इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई भी डिवाइस जो पार्टिसिपेट करती है नेटवर्क के अंदर, इवन प्रिंटर है, कंप्यूटर है, ये सेंटर वाली हब भी क्यों नहीं, इन सब को हम नोड बोलेंगे। एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। ठीक है जी, मेन हब और इसके सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस टोपोलॉजी के सबसे जो मेन एडवांटेजेस हैं वो बड़े ज़बरदस्त फीचर्स हैं इसके, वो ये है कि आप बस प्लग एंड प्ले वाला ही सिस्टम है कि आप इस पोर्ट के साथ सिस्टम लगाएं कोई भी, ठीक है, वो चल जाएगा, सिस्टम उतारें सिस्टम बंद हो जाएगा। और अभी हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को अगर डिस्कस भी करते हैं, अब इसमें ये है कि अगर ये जो सेंट्रल ये जो हब है अगर ये एक्सपायर हो जाती तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो ख़त्म, क्योंकि मेन पॉइंट ही ख़त्म हो गया जहाँ से डाटा ट्रैवल करना है। अब नेटवर्क का पर्पज़ तो है डाटा को शेयर करना एक दूसरे के साथ, तो जब इसका मेन जॉइंट ही ख़त्म तो सारा कुछ ख़त्म। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर है और ये एक्सपायर हो जाता है तो इट डजेंट इफेक्ट ऑन द सिस्टम, आप बआसानी इसको आराम से अनप्लग करें हब से और अलग कर दें। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपका सिस्टम जो है विल बी रिमेन फंक्शनल। अगर आप इसे डिसकनेक्ट कर भी देंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको अगर किसी भी सिस्टम को आपने रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आराम से इस तार को अनप्लग करें और नया सिस्टम अटैच कर लें, आपको पूरे नेटवर्क को रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो डाटा ट्रैवल करेगा सिस्टम, सारे का सारा डाटा इस सेंट्रल हब के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। ठीक है जी, अब इसके एडवांटेजेस को ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स, थोड़े नोड हैं इसके अंदर, थोड़ा सिस्टम इस्तेमाल होते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। नेटवर्क ट्रैफिक जो है इस पर स्लो लो होगी क्योंकि सिस्टम ही थोड़े अटैच है। हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली, आप चेंज करनी है तो आप अपनी वायर्स को अनप्लग करें और अपग्रेड कर सकते हैं। इजी टू ट्रबल शूट, इसका भी कोई मसला नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आसानी से आप इसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। सेटअप करना आसान है, मॉडिफाई करना आसान है। और ओनली द नोड डैट नोड इज अफेक्टेड विच हैज़ फेल्ड, रेस्ट ऑफ नोड कैन वर्क स्मूथली। अगर कोई नोड फारग हो जाता है, उड़ जाता है, एक्सपायर हो जाता है तो बाकी नोड आराम से काम करेंगे। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव टू यूज़, ठीक है। एंड इफ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क विल बी स्टॉप बिकॉज ऑल द नोड डिपेंड्स अपॉन द हब। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हब भी उड़ गई तो सारे का सारा जो सिस्टम है वो फारग हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो नोड्स हैं, नोड्स जितने भी सिस्टम, प्रिंटर, व्हाट्सएवर जो भी है, जो भी अटैच है इस टोपोलॉजी में, सब के सब डिपेंडेंट है सेंट्रल हब पर, तो सारे ही वर्किंग स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है जी, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। डिस्कस करेंगे आज की जो क्लास है इसमें हमने रिंग टोपोलॉजी और मैश को डिस्कस करना है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को मैं पहले आपको सादा से अल्फाज में समझाता हूँ। तो ये देखें, ये कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये सारे कंप्यूटर्स हैं, और हर कंप्यूटर जो है डेट इज़ कनेक्टेड टू इट्स टू नेबरिंग नोड। ये देखें ना, एक सिस्टम ये है और इसके एक दाईं साइड पे, एक बाईं साइड पे, अगर इस सिस्टम को देखेंगे तो इसके दाईं साइड पे, बाईं साइड पे, यानी कि ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू इट्स नेबरिंग नोड, इसके दो हमसाया नोड्स के साथ कनेक्टेड है। और इसी तरह से ये एक रिंग पैटर्न बनाता है, इस वजह से इसको रिंग टोपोलॉजी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर टोकन पासिंग यूज़ होती है, जैसा कि हर टोपोलॉजी या नेटवर्क जो भी हम बनाते हैं उसकी मेन काज होती है ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा। ठीक है, तो हमने मेक श्योर करना होता है कि डाटा किस तरह ट्रांसफ़र किया जाए, ये टोपोलॉजी की खासियत है, यही हमने टोपोलॉजी में करना होता है। तो यहाँ पे टोकन पासिंग यूज़ होता है, डेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर भी एक टोकन होता है नेटवर्क के अंदर, और टोकन भी एक ही होता है,
ठीक है। अब ये देखिए ना, देर इज ओनली वन टोकन इज अवेलेबल इन द नेटवर्क, एक ही टोकन अवेलेबल है, ठीक है। एनी नोड हु वांट टू ट्रांसमिट डाटा मस्ट कैप्चर इट, अगर इस नोड ने, ये वाला नोड, इसने डाटा कैप्चर करना है तो ये सबसे पहले इस टोकन को कैप्चर करेगा, फिर वो उसके पास पास आ गया डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्लासरूम ले सकते हैं, जैसे क्लास में एक पास होता है, अगर स्टूडेंट ने आउट ऑफ क्लास जाना है तो उस पास को लेके जाता है, ठीक है। अब वो पास जो है वो लेके चले गया, मींस वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। अब जब तक वो लड़का वापस नहीं आता, वो पास वापस नेटवर्क में यानी क्लास में रिलीज़ नहीं करता, तब तक अगला जो नोड या स्टूडेंट है वो बाहर नहीं जाएगा। तो इसी तरह वो जो बंदा है जिसने भी ये टोकन लिया हुआ है, वो सबसे पहले इस टोकन को रिलीज़ बैक टू दी नेटवर्क, ठीक है। अगर ये नोड जो है इसने डाटा ट्रांसफ़र करना है तो ये टोकन पकड़ेगा, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र करेगा एंड देन रिलीज़ बैक दिस टोकन टू दी नेटवर्क। अब फिर अगर इसने डाटा ट्रांसफ़र करना है तो ये भी क्या करेगा, ऐसे ही पहले टोकन को कैप्चर करेगा, डाटा ट्रांसफ़र करेगा और फिर टोकन को वापस रिलीज़ कर देगा। और ये प्रोसेस हर ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, जितने भी नोड्स ने डाटा ट्रांसफ़र करना है, सब इसी ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो ये जो है इस टोपोलॉजी की खासियत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डाटा फ्लो इज़ यूनी डायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफ़र होगा, या वो क्लॉकवाइज हो सकता है, मसलन या तो डाटा इधर को ट्रांसफ़र होगा, सारे डाटा ऐसे ही ट्रांसफ़र होता जाए, या फिर डाटा इधर को ट्रांसफ़र होगा, यानी जिस तरह से आपने पैटर्न एडजस्ट किया होगा उसी पैटर्न में ही डाटा ट्रांसफ़र होगा, और इट कुड बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी हो सकता है। सो डैट इज़ द मेन पॉइंट्स। तो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ही कुछ बातें बता देता हूँ, क्योंकि डायग्राम अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें डाटा जो है बड़ा इजीली फ्लो हो रहा है, लेकिन जो मेन बात इस डायग्राम को मैंने बतानी वो ये है कि अगर इसमें से ये जो इसकी मेन वायर है अगर ये डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो सारे का सारा नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अगर एक नोड उड़ जाता है देन, और अगर हमने कोई नया नोड इसके अंदर एडजस्ट करना है, तब भी वी हैव टू स्टॉप द नेटवर्क। सो लेट्स सी द फॉर्मल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टोपोलॉजी। तो सबसे पहले क्या है जी, इजी टू इंस्टॉल, इसे आसान है इंस्टॉल करना, ठीक है, इजी टू मैनेज हैज़ टू आर्ट और रिमूव द डिवाइसेस फ्रॉम दिस टोपोलॉजी। अच्छा, डिसएडवांटेजेस में क्या है, अगर मेन केबल ही उड़ जाती जो मैंने अभी अभी आपको बताई, सारा नेटवर्क फारग हो जाएगा, डाटा ट्रैफिक इशूज इसमें आते हैं क्योंकि सर्कुलेटिंग पार्ट पैटर्न में काम कर रहा होता है, ठीक, एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हमने इस नेटवर्क के अंदर किसी सिस्टम को नए तरीके से ऐड करना है तो फिर सारे का सारा नेटवर्क उसे स्टॉप करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसके अंदर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो है मैश। मैश बड़ी आउटस्टैंडिंग सी टोपोलॉजी है, क्यों, इसके अंदर हर नोड जो है, ये एक नोड है, ये देखें, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, यानी ईच एंड एवरी नोड इज़ कनेक्टेड टू वन अनदर, ठीक है। ये देखें ना, इसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी कहते हैं, सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड टू ईच अदर। अब इसके अंदर क्या है जी, देर आर टू टेक्निक्स ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा, इसमें भी दो टेक्निक्स है, राउटिंग एंड फ्लोटिंग, ठीक है, उसके ज़रिए हम डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप चाहें इससे एक पैटर्न में कर लें, आप चाहें डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट कर लें। सो दीज आर द टू मेन पैटर्न्स ऑफ दिस टोपोलॉजी। अब इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें डाटा डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा होता है। अब यूँ समझ लें कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं एंड या अगर कोई फुटबॉल खेल रहे हैं आप लोग, तो आप डायरेक्ट किसी भी अपने खिलाड़ी को, प्लेयर को बॉल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो बिल्कुल सेम। तो इसके कुछ फॉर्मल सी हम चीज़ें देखते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या है जी, ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा, लो हर कनेक्शन जो है वो अपना डाटा खुद देख रहा है, रोबस्ट है, फॉल्ट इज़ डायग्नोस्ड इजीली, फॉल्ट आसानी से मिल जाता है, प्राइवेट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी इसमें है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन, यानी नए सिरे से लगाना और फिर उसको कॉन्फ़िगर मेंटेन करना, ठीक है, डेट इज़ डिफ़िकल्ट, थोड़ा मुश्किल है। केबलिंग कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा है क्योंकि केबलें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, सारी एक दूसरे से कनेक्टेड, बल्क वायर इज़ रिक्वायर्ड,
यानी लंबी चौड़ी तारें आपको लगानी है। आप ऐसे ही समझ लें जैसे तारों का गुच्छा जो है आप मेन मीटर से लेके आते हैं और वहाँ से मेन जो आपकी डीपी लगी है वहाँ पे कितनी सारी तारें लगी होती हैं कोई समझ ही नहीं आती। सो डेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी मेश टोपोलॉजी थी। होप्स हो के आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गई। आज की क्लास में जो दोनों टोपोलॉजीज हैं वो हमारे सामने हैं, ट्री एंड मैश, और सॉरी हाइब्रिड। अब ट्री टोपोलॉजी स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि मल्टीपल स्टार्स आर प्लग्ड ऑन टू दिस सिंगल बस, यानी बहुत सारे स्टार जो हैं वो इस सिंगल के ऊपर कनेक्टेड हैं जी, ठीक है। ये हमारे पास स्टार्स हैं, सारे के सारे स्टार टोपोलॉजीज हैं, और सारे के सारे किसके ऊपर कनेक्टेड है, हमारे पास ये सिंगल बस है। आप यूँ समझ लें कि इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी ऑन टू द बस टोपोलॉजी, ठीक है। मेन हमारे पास एक सिंगल बस और उसके ऊपर मल्टीपल स्टार, एंड इट इज़ यूज फॉर द लार्जेस्ट नेटवर्क्स। ये देखें आपके पास, मैंने दोबारा से इंडिकेट किया, ये मेन बस और ये सारे के सारे हमारे पास स्टार्स लगे हुए हैं, स्टार टोपोलॉजीज लगे हुए हैं। अब इसके अंदर ये मतलब जैसा कि अभी बताया कि इट इज़ यूज़ फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े नेटवर्क के लिए, और ये वर्क स्टेशंस जो हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिट एग्जांपल आती है, जहाँ पे लोग ग्रुप्स की शक्ल में डाटा जो है ट्रांसफ़र और शेयर या एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इस बस को मैं अगर डिस्कस करूँ तो अगर आप इसको गौर से देखें तो जैसे बस टोपोलॉजी में हुआ था कि अगर ये जो सेंटर वाली बस है अगर ये एक्सपायर हो जाती है तो सारे का सारा नेटवर्क जो है वो इधर ही कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये एक मतलब ये सेंट्रल हब है स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो यूज़ हुई थी, अगर ये एक्सपायर होती है, ठीक है, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ये एक्सपायर होगा, मतलब बाकी सारा नेटवर्क जो है विल बी रिमेन फंक्शनल, वो चलता रहेगा। अगर इस स्टार के अंदर फॉर एग्जांपल चले नीचे वाली मैं डायग्राम ले लेता हूँ, ये हब ओके है और ये सिस्टम उड़ जाता है तो नो प्रॉब्लम, और ये ऑलरेडी हम स्टार टोपोलॉजी के अंदर अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर स्टार टोपोलॉजी वाला तो प्लीज़ जाइए लास्ट वाली क्लास जो है उसमें स्टार टोपोलॉजी डिस्कस की हुई है, उसे अच्छी तरह से देख लीजिए, यू विल बी ईजिली अंडरस्टैंड। और बस टोपोलॉजी जो है डेट विल बी डेट इज़ डिस्कस्ड इन क्लास वन, ठीक है जी। इसके एडवांटेजेस देखते हैं जी। इसके अंदर पहला एडवांटेज जो है एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज, हम जितना मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ नोड इज़ पॉसिबल एंड ईजी, जितने दिल करता है आप मेन बस के ऊपर स्टार टोपोलॉजीज जो हैं वो लगाते जाए, मतलब हब लगाएं और हब के साथ आप जितनी मर्जी डिवाइसेस कनेक्टेड करते रहें, इजीली मैनेज एंड मेंटेन, और एरर डिडक्शन भी इसमें आसानी से हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन मसला इसका ये है, जैसा कि हमने लास्ट डायग्राम में भी देखा कि चूंकि इतनी सारे बड़ा नेटवर्क है तो मेन बस के ऊपर काफ़ी सारी केबलिंग करनी पड़ेगी आपको, पहले मेन बस से हब में केबल जाएगी, फिर वहाँ से सिस्टम यानी नोड्स के अंदर केबल जाएंगे, तो ये कॉस्टली भी है चूंकि बड़ा नेटवर्क है। इफ़ मोर नोड्स आर एडिड मेंटेनेंस डिफिकल्ट, जितने नोड बढ़ाते जाएंगे, जितने कंप्यूटर सिस्टम बढ़ाते जाएंगे इस टोपोलॉजी में, इसको मेंटेन करना उतना ही औखा होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। और ये मैं ऑलरेडी आपको अभी भी बताया कि अगर सेंट्रल हब उड़ जाती है, मेन वायर उड़ जाती है, तो सारे का सारा नेटवर्क विल बी फेल या उड़ जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। लेट्स सी नाउ द हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन हाइब्रिड टोपोलॉजी दो चीज़ें हैं इसमें जी, ये मिक्सचर है दो चीज़ों का, ये देखिए ना, टू और मोर टोपोलॉजी, तो दो तो कन्फर्म है इसमें, एक रिंग और एक स्टार टोपोलॉजी, ठीक है जी। ये आपके पास रिंग है और ये आपके पास स्टार टोपोलॉजी है जी हमारे पास, ठीक है जी। अब आप और से देखें तो ये हमारे पास हब लगी हुई है स्टार टोपोलॉजी के लिए, और ये इसके साथ सिस्टम कनेक्ट है, और ये देखें ये रिंग है और ये आपस में सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है जी, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसके कुछ फॉर्मल से एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं जी, रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग, इसके अंदर जो है वो ईजी है, इफेक्टिव है, मतलब अच्छी टोपोलॉजी है, स्केलेबल है, साइज़ इसका इंक्रीज़ किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है स्टार्स के ज़रिए, फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन थोड़ा सा इसका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दो मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ को हमने यूनाइट करना है सिंगल फॉर्म के अंदर, तो फिर थोड़ी सी उसके डिज़ाइन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आएगी, ठीक है। अब जहाँ पे इसकी ट्रबल शूटिंग ईजी है,
सेपरेटली, वहाँ पे ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है, थोड़ी सी महंगी भी है, ठीक है। सो होप सो कि आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा। मेक श्योर इनकी प्रैक्टिस करें आप लोग, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मीट यू सोन इन एनी नेक्स्ट टॉपिक। टिल डैट, अल्लाह हाफिज़।